हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम DOE की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 1 जो कि सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन की है। यह कक्षा 6 के लिए है। विद्यार्थी ने सबसे पहले अपना नाम लिखना है और फिर सेक्शन का नाम लिखना है और फिर रोल नंबर लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, दैनिक जीवन में उपयोगी विभिन्न संस्थाओं, बैंक, पंचायत, सहकारी, पुलिस थाना आदि की भूमिका तथा कार्यों का वर्णन करते हैं। तो हम दैनिक जीवन में बहुत सी चीज़ों ऐसी संस्थाओं का वर्णन करते हैं जो हमारे डेली यूज के लिए होती है। जैसे इस चित्र में क्या बताया गया, दिए गए चित्र का अवलोकन कीजिए। हमने इन चित्रों को, इन पिक्चर्स को अच्छे से देखना है। तो फिर इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के आंसर हमने अपने कॉपी में लिखने हैं। तो जैसे हमने इसको पिक्चर को पहले देखना है, ये पिक्चर किस चीज़ की है, ये बैंक है। बैंक में कर्मचारी जाते हैं पैसे लेके, हम आते जाते रहते हैं, आम लोग भी जाते हैं, कर्मचारी भी जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे बैंक की जो तिजोरी है दिखाई गई है, ऊपर लिखा बैंक। तो यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की पिक्चर है, इसमें पेशेंट पड़ा हुआ है, ये डॉक्टर नर्स हैं आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ये पुलिस स्टेशन है, ये पुलिस वाला बैठा हुआ है और रिपोर्ट लिख रहा है। और यहाँ पर भी एक पिक्चर दिखाई हुई है। तो हमने क्या करना है, इन पिक्चर को समझने के साथ साथ इनके आंसर भी हमने फाइंड आउट करने हैं और फिर उनके क्वेश्चन को पढ़ के उन आंसरों को अपनी कॉपी में लिखना है, फेयर कॉपी में लिखना है और बाद में अपने टीचर से चेक कराना है। तो आइए अब इसको करते हैं। अब निम्नलिखित संकेतों का उपयोग करके इन संस्थाओं के नाम पूरा करें। आपने ये जो इन्होंने पहले या लास्ट के जो कुछ अक्षर दिए गए हैं, आपने इनको पूरा करना है। जैसे सालू यहाँ अपनी खोई हुई स्कूटर की शिकायत करने गई थी। तो शिकायत हम कहाँ करते हैं, अगर हमारी कोई चीज़ गुम हो जाती है, गाड़ी, स्कूटर या बाइक वगैरह, तो हम कहाँ पे इसको शिकायत करने के लिए जाते हैं, तो पुलिस थाने में जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे पुलिस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे पू लिखा है, पू के आपने आगे लीस लगाना है, यानी कि लीस है, पुलिस हो जाएगा। और था लिखा हुआ आपने ना लगाना है, थाना, पुलिस थाना। आपने हिंट भी दे दिया, इन्होंने आपके लिए हिंट भी दे दिया ताकि आप और आसानी से समझ सकें। तो पू लिखा है, था लिखा, आपने पू के बाद ली से लगाना है, ली और से, उसके बाद था दिया हुआ, था के बाद ना लगाना है, थाना, पुलिस थाना हो जाएगा। बी क्या है, सिया के पिता यहाँ पैसे जमा करने जाते हैं। तो हमारे पेरेंट्स हैं तो कहाँ पर पैसे जमा करने जाते हैं, बैंक में। तो सिया के पिता भी कहाँ गए हैं पैसे जमा कराने, बैंक में। तो बे लिखा है तो और ऊपर बिंदी यानी बैंक हो जाएगा। तो उसमें सीध दिया गया, रीटा दूषित खाने से बीमार हो गई तो उसकी माँ उसे इस स्थान पर ले गई। तो कहाँ पे ले जाते हैं, अगर कोई बीमार होता है हमारा घर वाला या कोई पेरेंट्स हमारा बीमार होता है तो हम कहाँ पे जाते हैं उसको लेके, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल दिखाया गया या अस्पताल दिखाया गया। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, अ दिखाया गया, अ और ल लास्ट का और पहले वाला अक्षर दिखाया गया। तो हमने बाद में बीच के वाले अक्षरों को अपनी तरफ से भरना है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही विकल्प पर गोला लगाएं। अब अपने गोला लगाना है, यहाँ पे हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे, उनमें अक्षर लिखे थे, यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमने जो सही है उस पर सर्कल करना है। कविता के पिता बाजार गए थे, कुछ लुटेरों ने उनका मोबाइल छीन लिया, उन्हें चोरी की शिकायत के लिए कहाँ जाना चाहिए। हमारा कोई मोबाइल या पर्स छीन लेता है तो हम उसकी कंप्लेंट करने के लिए कहाँ जाते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, पुलिस थाने में। इसमें क्या दिए गए, बैंक, अस्पताल, पुलिस थाना, घर। तो हमने बी ऑप्शन को सर्कल लगाना है, यानी कि बी ऑप्शन पे हम सर्कल लगा देंगे। ऑप्शन लिखना हमने बी, अपनी फेयर कॉपी में बी ऑप्शन लिख देंगे। 2 नंबर क्या पूछा गया है, आपका मित्र सीढ़ियों से गिर गया, उसका खून बह रहा है, उसके पिता उसे चित्र में दिखाए अनुसार निम्नलिखित स्थान पर ले गए, यह कौन सा स्थान है। तो हम अगर कुछ चोट वगैरह लग जाती है तो कहीं कहाँ जाते हैं, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यालय, पुलिस स्टेशन, अस्पताल और डाकघर। तो सी पे लगाएंगे, यानी कि अस्पताल पे लगाएंगे। तो हमने अपनी कॉपी में इसको अस्पताल पे आंसर लिख देना है। सोहन पैसे जमा कराना चाहता है, उसे निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए। तो हम पैसे कहाँ जमा कराते हैं, बैंक में ही जमा कराते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, अस्पताल में, बैंक में, विद्यालय में, पेट्रोल पंप पे। तो हम कहाँ जाते हैं, बैंक में जाते हैं, तो बैंक पर हमने सर्कल करना है। तो स्टूडेंट, इस वर्कशीट को आपने अच्छे से समझकर अपनी फेयर कॉपी में इसके क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनके आंसर को लिखना है।